आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, वो भी बहुत ही इजी वे में। गाजर के हलवे का सबसे मुश्किल काम होता है उसको कद्दूकस करना। तो ये जो हलवा हम बनाएंगे ये बिना कद्दूकस किए हुए बनाएंगे, पर देख के क्या आपको लग रहा है कि ये बिना गाजरों को ग्रेट किए हुए हलवा बना है। टेस्ट में कोई कमी नहीं होगी, बनाना लेकिन बिल्कुल आसान होगा। तो चलिए हम फटाफट से विंटर स्पेशल गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। बस इसके लिए हमने ये 1/2 kg गाजर ले लिया है। गाजर को पील करके, इसको वॉश करके, और इस तरह से हम इसको बिल्कुल रफली, जिस तरह से आप देख रहे हैं, इसे हमें बिल्कुल चॉप कर लेना है। अब ये देखिए, हमने सारे गाजर जो थे हमने इसको सबको चॉप कर लिया है। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हम अपने सारे गाजर जितने भी हैं हम इसमें इनको डाल देंगे। तो अब हम इसमें फुल फैट मिल्क ऐड करेंगे 1/2 लीटर, और उसके बाद हम इसमें कुकर का लिड लगाकर और इसको हम थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। ये हमने कुक कर लिया था, 2 सीटी आई थी, उसके बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था लो फ्लेम पे, फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। ये देखिए, अब हमारे जो गाजर है ये सॉफ्ट हो चुके हैं, और आप कोशिश कीजिएगा कि जब इसको आप बॉईल करें तो आप बड़ा कुकर लें, क्योंकि जो है जब दूध इसमें डालते हैं ना, तो अगर छोटा कुकर होगा तो वो उबल के सारा बाहर आ जाएगा, इसीलिए कुकर बड़ा लीजिएगा। अब इनको हमें इस तरह से सारे गाजरों को हमें तोड़ लेना है। अगर ये हो तो इससे भी आसानी से टूट जाता अच्छे से, और सबसे बेस्ट जो होगा वो अगर आपके पास इस तरह का अगर मैशर हो तो आप उससे कर लें, तो सबसे आसानी से भी और सबसे जल्दी भी हो जाएगा। तो हम इससे ही कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा हो गया है ना सारा मैश। अब इसमें हम थोड़ा सा 1 pinch फूड कलर डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो ये आप डाल भी सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, इससे बस थोड़ा सा हलवे का कलर अच्छा सा आ जाता है। तो बस अब देखिए, अब हमने वापस से इसको गैस पे रख दिया है, और फ्लेम को हाई करके हमें ये जो हमने जो ये दूध जो दिख रहा है ना, इसको हमें तब तक अच्छे से भून लेना है हाई फ्लेम पे ही, बीच बीच में चलाते हुए, जब तक कि ये दूध है ना हमारा ये अच्छे से सूख ना जाए। अच्छा, और तब तक अब हम दूसरे साइड ये हमने 1/2 लीटर मिल्क और लिया है, इसको भी हमें रिड्यूस करना है, तो इसको भी हम रिड्यूस करके इसको जो है 1/2 कर लेना है, इतना हमें इसको करना है जब तक कि ये 1/2 ना रह जाए। तो देखिए, बीच बीच में हम इस तरह से चलाते हुए हमारा ये जो हम दूध था ये रिड्यूस हो रहा है, थोड़ा सा ही और बचा है, थोड़ी देर ही हम इसको और कुक करेंगे। और इस साइड, एक साइड ये जो हमारा दूध था 1/2 लीटर, एक साइड ये हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो उधर वो पक रहा है, और एक साइड इधर हम गाजर को कुक कर रहे हैं। तकरीबन ये बस गाजर हमारे ये होने वाले हैं। अब ये देखिए, ये हमारा गाजर में जितना भी दूध था वो अच्छे से है, और ये जो दूध था वो हमने दूध ये कर लिया है जो 1/2 लीटर लेके जिसको रिड्यूस किया था, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा थिक हो गया है। इसकी जगह आप चाहें तो कंडेंस्ड मिल्क भी आप यूज कर सकते हैं। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम थोड़ा सा ये घी डालेंगे, और इसमें हमने ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं, ये डाल देंगे, इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, बस हल्का सा ऐसा कलर चेंज हो जाए तब तक हम फ्राई करेंगे। इसमें वापस से 1 tsp घी डाला है, और अब हमने ये जो गाजर हमारे थे इसमें हम ये ऐड कर देंगे। गाजर डाल दिया, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और गाजर कितने मीठे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चीनी ऐड कर लीजिए। हमने इसमें 1/2 कटोरी चीनी डाली है, और इसको फ्लेम को लो पे ही हल्का सा इसको बस 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, कि ये जो हमने जो चीनी डाली है ये मेल, हमने ड्राई फ्रूट्स इसमें फ्राई किए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो आप हमारा ये जो मिल्क था, इसको आप कंडेंस्ड मिल्क बोले या ये जो हमने रिड्यूस किया था ना, ये देखिए कितना थिक सा हो गया है, देख रहे हैं, ऐसे ही थिक कर लेंगे, उसके बाद ही इसमें डालेंगे, वरना वापस से अगर इसमें हम दूध डालेंगे तो कुक करने में फिर गाजर का कलर चेंज हो जाता है, इसीलिए हमने गाजर को अब अच्छे से बिल्कुल कुक कर लिया है। अब हम ये डालेंगे तो गाजर का कलर चेंज नहीं होगा, तो बस ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। लग रहा है ना कितना यम्मी सा, चाहे तो एक बार चीनी टेस्ट कर लें। इसमें अब हम थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देंगे,
इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे इस तरह से, और बस हमारा हलवा बनके रेडी हो जाएगा। तो बस हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा हलवा बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। अब हम बस इसको सर्व करते हैं गर्मा गर्म। तो बस देखिए, ये हमारे फटाफट से गर्मा गर्म से गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया। ये कि जब भी मन करे इसके बहुत ही झटपट से बन जाता है, इसीलिए कभी कोई गेस्ट भी अचानक से आ जाए अगर, तो इस तरह से हलवा बना के आप उनको खिला सकते हैं। तो आप इस तरह से हलवा बनाइए, खाइए, खिलाइए। हमें उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। तो मिलते हैं अब हम फिर नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।